नमस्कार जी, हम आए मदन हेड़ी गांव में। हम आपको बता दें, यहाँ सुमन देवी सरपंच चुनी गई हैं, और हम आपको बता दें यहाँ से प्रदीप पूनिया जो उनके हस्बैंड हैं वो सरपंची करेंगे मदन हेड़ी से। और हमारे साथ हैं मदन हेड़ी से प्रदीप पूनिया के पिताजी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? रामपाल जी। रामपाल जी, यहाँ से सरपंच बन चुके हो मदन हेड़ी गांव से, तो सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे फोकस इंडिया टीम की तरफ से। तो क्या कहना चाहोगे, सबसे पहला काम क्या करवाना चाहोगे? ये प्रदीप पूनिया जी, सुमन जी शपथ लेते हैं, तो इस मदन हेड़ी गांव के लिए सबसे पहला विकास कार्य क्या करवाना चाहोगे? विकास कार्य पहली बात तो है काम का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, 36 बरादरी का धन्यवाद। 36 बरादरी तो है जो हमारी जीत हुई है, हम पूरे पूरे आभारी हैं। और काम का जो भी काम है, शीर शाह जला जो भी 36 जात का, वो हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा करने की। पहला कार्य सरपंच जब शपथ लेता है तो उसके बाद पहला कार्य मदन हेड़ी गाँव के लिए क्या करवाना चाहोगे? मदन हेड़ी गांव के लिए पहला काम है जी गांव की सफाई। सफाई तो पानी है तो पीने का। दूसरा काम पीने के पानी की व्यवस्था करवाना। तो यहां से मदन हेड़ी गांव से 36 बिरादरी का सपोर्ट मिला है आपको? 36 बिरादरी का मिला है जी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो जनता का धन्यवाद, मदन हेड़ी गांव की जनता का धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ, धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात है। और क्या कहना चाहोगे? मतलब सरपंच बन चुके हैं, यहाँ से विकास कार्य करवाएंगे, तो अभी शपथ भी नीली है और विकास कार्य की चर्चा गांव में चल चुकी है कि यहाँ से सुमन देवी जो हैं सरपंच चुनी गई हैं और विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेगी। तो क्या कहना चाहोगे? पानी की सुविधा, जो रास्ते कंडम हो रहे हैं वह भी तैयार करे जाएंगे, और भी जो गाँव काम कहेगा सरोड़ा मिलकर, और बढ़िया प्रोग्राम बढ़िया। जो ये प्रदीप पूनिया हैं और उनकी वाइफ सुमन देवी हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चलना। आशीर्वाद देंगे जी उनको और बढ़िया काम करवाएंगे। एक युवा सरपंच बने हैं ये, तो युवा सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप बुजुर्ग हो तो आपकी सोच अलग है, युवाओं की सोच अलग है, कुछ अंतर आपको देखने को इनमें मिलता है या नहीं? थोड़ी हिंट ही पूछ ले प्रधान जी। बोलेंगे प्रधान जी, हाँ भाई पति वोट डाल करेंगे तो हम समझ आवाएंगे, गाँव में सुथरे काम करवाओ, सुथरे काम करवाओगे। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। वैसे युवाओं की सोच भी एक अलग होती है, वो भी काफ़ी गांव का विकासशील, विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। और आप बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूरी है। जरूरी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहां से सुमन देवी सरपंच बन चुकी हैं, और अपने ये पूनिया जी हैं, ये विकास कार्य करवाएंगे, कैसे सरपंच साबित होंगे? छोटा भाई है बिल्कुल, एक पार्टी में भी है, सिपाही की तरह है ये। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आगे हरेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हुए है। हाँ। सारे का आया जाए रखे है, मिलना जुलना पूरा परिवार इनका, पूरा परिवार आज तक। हाँ जी। बेदाग है, कोई दाग नहीं है इन पास आज तक जी। हाँ, दाग वाला होता तो नहीं बन पाता, बिल्कुल साफ सवीच के, दद्दा पोता सब, मतलब एक नंबर के आदमी है भाई। ऐसे मैं दिल्ली से आके 3 दिन हो गए, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ अपना काम धंधा छोड़ के भाई के लिए, एक सपोर्ट सपोर्ट के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए। तो इसका मतलब प्रदीप जी का छगनी परिवार बढ़िया परिवार है, तभी सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। बिल्कुल जी, बढ़िया परिवार है, बहुत सज्जन परिवार है जी, मतलब बहुत बढ़िया फैमिली है। तो पूरे परिवार नुमाले गाँव का सहयोग करेगा उसके विकास कार्यों के लिए। धीरे धीरे एक पौधा है जो लग गया, वैसे पड़ देने बाकी है। मतलब आपकी नज़र से ये गांव सरपंच सुमन देवी के होते हुए एक मतलब आदर्श गांव साबित होगा? आदर्श गांव बिल्कुल, कोई कमी नहीं रहेगी जी। मतलब ये पंचायत सम्मानित तो होने वाली है। अब रास्ते नहीं है गांव के, इधर उधर तो आना पड़े है, कई जगह हमने देखा रास्ते नहीं है, इधर तो जाओ उधर तो जाओ। पहला तो भाई मेन रास्ते होने चाहिए गाँव के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो धन्यवाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद।
क्या नाम है जी? मेरा बोलो नाम है बोलो जी। यहाँ से सुमन देवी सरपंच बन चुकी है मदन हेड़ी से, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा जी, सारे मिलजुल के काम कराएंगे जो युवाओं का संगठन बनाई है, और युवाओं की सोच का हिसाब से ऐसा काम कराए, सारा काम ना अच्छा लगे। हम आपको बता दें, हमारे साथ प्रदीप पूनिया के पिताजी थे, और यहाँ से सुमन देवी सरपंच बन चुकी है मदन हेड़ी गांव से, जो विकास कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगी। और सबसे पहला विकास कार्य सरपंच पद की शपथ लेने के बाद वो स्वच्छता और सौंदर्यकरण के लिए आगे करवाएंगी। और इसके बाद गांव में जैसा कि बताया कि पीने के पानी की समस्या है, तो दूसरा विकास कार्य सरपंच पद की शपथ लेने के बाद सुमन देवी यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करवाएंगी मदन हेड़ी गांव में। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।